हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं SRM JEE 2021 फेज टू की काउंसलिंग के बारे में। जी हाँ गाइस, SRM JEE 2021 की फेज टू की ऑनलाइन काउंसलिंग जो है गाइस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। किस तरह से आप फेज टू ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने के प्रोसेस को। तो आपको सिंपली क्या, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखा देगी, उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं काउंसलिंग स्टार्टेड। थोड़ा नीचे आने पर कैसे यहाँ पे देख सकते हैं SRM JEE 2021 फेज टू ऑनलाइन काउंसलिंग हैज बीन स्टार्टेड, क्लिक है टू फिल एडमिशन फॉर्म थ्रू ऑनलाइन। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस लिंक पे क्लिक करते ही गाइस आप लोगों के सामने यहाँ पे न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस दिखा देगा। तो सिंपली सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर एंटर कर देना, लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा, या तो आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका जो है बर्थडे एंटर करके भी यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर सकते। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको एंटर करना और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर एंटर करना और बर्थडे, या तो एप्लीकेशन नंबर और जो अपने पासवर्ड सेट किया था वो आपको एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे अपने प्रोफाइल में लॉगिन हो जाएंगे, वहाँ से आसानी से ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी डिटेल जानना, डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा और वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।